to our YouTube channel Chalk and Duster. Today we will discuss some examples of binary operation. अभी यहाँ पर मैंने कुछ sets लिखे हैं और operations लिखे हैं. हमें ये check करना है कि ये जो है binary operation है या नहीं. अगर binary operation है तो हम यहाँ पर tick करेंगे, अगर नहीं है तो cross करेंगे, ठीक है. और अगर binary operation है तो फिर हमें check करना है कि वो associative है या commutative है. अगर है तो टिक करना है, अगर नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एग्जांपल है नेचुरल नंबर्स और प्लस. प्लस माना एडिशन, ठीक है. हमने कल के लेक्चर में देखा था कि एडिशन जो है क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है. अगर हम ए बी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर लेंगे तो ए प्लस बी भी क्या होता है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है. यस, सो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन. अभी प्लस जो है वो एसोसिएटिव है या नहीं. यस, इट इज़ एसोसिएटिव, हमने कल देखा था. और वो कम्यूटेटिव भी है, बिकॉज हम 2+3 करें या 3+2 करें कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिशन में, ठीक है. सो इट इज़ कम्यूटेटिव. नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर विद सब्ट्रैक्शन. अभी सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो सब्ट्रैक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. अगर हम कोई भी दो नंबर्स ले, 3, 7, अगर मैं 3-7 करती हूँ तो क्या आता है, -4. और -4 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. -4 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस इट इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. अगर बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है तो हम ये चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन. अभी मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, लेट अस चेक. अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं 2, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी नेचुरल नंबर में ही आएगा, ठीक है. सो ये भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया. अभी एसोसिएटिव, अगर हम कोई भी 3 नंबर लेते हैं ए इंटू बी इंटू सी और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले बी इंटू सी करें फिर बाद में ए से मल्टीप्लाई करें तो भी, और अगर हमने पहले ए इंटू बी और बाद में सी से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि दोनों जो हैं उनकी वैल्यू सेम आती हैं, इसलिए वो क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया. मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. कम्यूटेटिव भी है, क्योंकि अगर हम 2 × 3 करें या 3 × 2 करें उत्तर तो सेम ही आना है. सो ये भी कम्यूटेटिव हो गए. अभी नेचुरल नंबर और डिविजन. अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ 1, 2, इट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 1/2 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो डिवीजन क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है. अगर वो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव को चेक करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल इंटीजर्स विथ एडिशन. अभी एडिशन जो है वो हमने कल के लेक्चर में भी देखा था, एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है. अगर हम कोई भी 2 इंटीजर्स लेते हैं तो उनका एडिशन जो है वो इट इज़ अल्सो इन इंटीजर्स, मीन्स ए प्लस बी अल्सो बिलोंग्स टू जेड, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है. सो एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, और एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है. अभी है जेड और माइनस. माइनस मैन सब्ट्रैक्शन. सो अगर हम कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं, कोई भी 2 नंबर अगर लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, तो उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो जेड में आता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो था नेचुरल नंबर में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर होते हैं, इसलिए वो जो ए माइनस बी है इट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, इसीलिए वो क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है. अभी हम ये चेक करेंगे कि वो एसोसिएटिव है या नहीं. सो टेक 1-2-3, ठीक है. सिंपल एग्जांपल हमने लिया है, अब इसको हम करेंगे 1-, पहले हम 2-3 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा. फिर 1-1 क्या आ जाएगा, 1+1 दैट इज 2, ओके. अभी हम पहले 1-2 और बाद में -3 करेंगे, तो इसका उत्तर क्या आता है, चेक करते हैं. 1-2 इज -1 और ये -3, इसका आंसर आ गया -4. और ये देखिए ऊपर आ रहा था हमारा 2 और नीचे जो है वो -4 आया है, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. गेट इट,
सो सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अभी कम्यूटेटिव भी नहीं है. क्यों? अगर हम 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या आएगा? माइनस 1 आएगा. 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा. एंड बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव. ठीक है. नेक्स्ट है इंटीजर विद मल्टीप्लीकेशन. कोई भी अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं, जनरल कोई भी लिया, तो भी उनका मल्टीप्लीकेशन जेड में ही आता है, वो भी इंटीजर ही होता है. इसीलिए मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन और वो एसोसिएटिव भी होता है. ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं. और वो जो है मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? कम्यूटेटिव. अगर हम ए इंटू बी करेंगे और बी इंटू ए करेंगे, दोनों क्या होता है? सेम ही होता है, मल्टीप्लीकेशन है. सो इसलिए वो क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया. ठीक है. अभी है जेड इंटीजर विद डिवीजन. ए कॉमा, अभी हम कोई नंबर ले लेते हैं, 5.6 बिलोंग्स टू जेड, बट 5/6 डजंट बिलोंग्स टू जेड, वी नो दैट. ओके, क्योंकि ये जो है 5/6 इज नॉट अ इंटीजर, इसीलिए क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. सो डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन और सेट ऑफ इंटीजर्स. अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है रियल नंबर्स विद सब्ट्रैक्शन. अभी हम कोई भी रियल नंबर लेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, उनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी रियल नंबर में आता है. क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. ठीक है. सो ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. तो क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स. सो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया. अभी हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे. जैसे कि हमने देखा था जेड माइनस पर एसोसिएटिव नहीं है, वैसे ही यहाँ पर भी वो एसोसिएटिव नहीं होगा. ठीक है, सेम एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं. 1-2-3 क्या आता है? इसका आंसर हमने अभी अभी किया था, 2 आता है. और अगर हम 1-2-3 करेंगे तो इसका आंसर -4 आता है. और ये दोनों हम देख सकते हैं इक्वल नहीं है. सो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव. ओके, और कम्यूटेटिव भी नहीं है. सेम 1-2 इज -1 और 2-1 इज 1. सो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसीलिए कम्यूटेटिव भी नहीं है. ठीक है. अभी हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. अगर हम रियल नंबर और एडिशन लेंगे, तो कोई भी दो रियल नंबर लेने का, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी क्या बनेगा? रियल नंबर ही होगा वो भी. सो क्या हो गया? एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर. गेटिंग? अभी हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे. ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम कोई भी दो नंबर्स, ये पहले ऐड करो या ये पहले ऐड करो, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इट इज एसोसिएटिव. गेटिंग? और कम्यूटेटिव भी है. एडिशन इज कम्यूटेटिव. अभी हम चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए. कोई भी दो रियल नंबर्स लिए, उनका मल्टीप्लीकेशन भी रियल नंबर ही होता है, इसीलिए वो क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन. और इधर एसोसिएटिविटी भी होता है. कोई भी दो नंबर्स पहले मल्टीप्लाई करो, पहले ये दो करो या ये दो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता रियल नंबर्स पर. ठीक है. और कम्यूटेटिव भी है, बिकॉज ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, इसीलिए ये कम्यूटेटिव भी है. अभी हम डिवीजन का देखेंगे. अभी हम डिवीजन रियल नंबर, अगर हम ए जो है ए बिलोंग्स टू आर और बी को जो है हम जीरो लेंगे, तो ए अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है. गेटिंग? सो ये भी क्या है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. ठीक है, इसीलिए डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स. इसलिए हमें एसोसिएटिव और कम्यूटेटिविटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो डिवीजन, कंक्लूजन क्या है? डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर.
सी. मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, सी कैपिटल सी ऐसा नोटेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन है. ठीक है, ओके. अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. 13th एग्जांपल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और एडिशन. ठीक है, अगर हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले, Z1 और Z2, ठीक है, और उन दोनों को ऐड करें, Z1 प्लस Z2 आल्सो बिलोंग्स टू सी, वी नो दिस. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स एडिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है, ओके. और वो एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिविटी भी होता है, आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और नेगेटिव मीन सब्ट्रैक्शन. अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है. इसीलिए सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. लेकिन अगेन इट इज नॉट एसोसिएटिव एज वेल एज इट इज नॉट कम्यूटेटिव. गेटिंग? अभी हम नेक्स्ट लेंगे 15th एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, कोई भी अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है. ठीक है, हेंस मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. और अगेन एसोसिएटिविटी फॉलोज मीन्स एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, और कम्यूटेटिव भी होता है. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है 11th स्टैंडर्ड में. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.